चाकबो ए गाइस वेलकम बैक, मैं हूं लुकाशु रेड्डी के एक और वीडियो में। आज की वीडियो कोई फनी वीडियो नहीं है, बल्कि एक बम्बू है भाइयों, हम सभी यूट्यूबर्स की गाना दिया गया, पर टेंशन है लो, वीडियो में मजा हमसे है, वीडियो के टाइप से नहीं, जलवा है हमारा। तो मुद्दे की बात यह है कि रोनाल्डो भाई ने बना लिया यूट्यूब का चैनल, हफ्ते के अंदर 50 मिलियन सब्सक्राइबर करके बैठ गया, ये अलग है वेंचर। तो जल्दी से कानों में हेडफोन डालो और आओ जरा इसके किस्से में नजर डालते हैं क्या बनी है, आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। तो भाई हुआ कुछ यूं कि रोनाल्डो भाई जो फुटबॉलर है हमारे, घर बैठ के आराम से मुट्ठी पेड़ रहे थे कि अचानक उनको मजे चुल, और उन्होंने देखा भाई कि यूट्यूब वाले बड़े आराम से बैठे और मेरी कुंगली भी वेली है, क्यों ना इनको ही दे दूं। तो वो भाई यूट्यूब टिकटोकर वाली लाइट लगाई और बोलने बैठ गए कि भाई मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया, सब्सक्राइब करो इसको। और भाई उसके बाद जो तबाही मची है, मैं कहता हूं मत पूछो यार, रिकॉर्ड टूटे रिकॉर्ड। इधर भाई ने पहली वीडियो डाली नहीं कि उधर यूट्यूब वालों को पहुंचना पड़ गया कि भाई जितने प्ले बटन है सारे तैयार कर दो। मैंने ऐसा कब कहा था उनके भाई, ये माँ ये कहा तो पकड़ा नहीं जा रहा, अगले 10 घंटे में भाई 10 मिलियन सब्सक्राइबर कर दिए। और भाई ये देखे जो हम यूट्यूबर्स की डूई चली है, यानी कि भाई मेरे एग्जांपल ले लो यार, 2 साल हो गए यूट्यूबर डूई किस्ते पर, अब जाके 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, और वो जनाब जो आज तक यूट्यूब पे आए भी नहीं भाई, 10 मिलियन सब्सक्राइबर सबसे पहले करने का रिकॉर्ड लगा के बैठ गए। मुझे अपने घर जाना है। तो लोग कहते थे ना कि रोनाल्डो वर्सेस मेसी कौन बेहतर है, उन पे तो भाई रोनाल्डो ने दारू पी के मुद्दी है, क्योंकि भाई मेसी के 18 साल पुराने चैनल के 3 मिलियन सब्सक्राइबर है और ये जनाब 50 मिलियन करके बैठे हुए एक हफ्ते के अंदर अंदर। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, और हम तो ठहरे पे छोटे यूट्यूबर, तो बड़े बड़े यूट्यूबर कह रहे हैं ने इंडिया में पूरे धमाका मचाया हुआ है, उसको भी भाई ये बंदा सूप के प्याले में रख के चूस गया, पैसा बर्बाद भैंचो। और जनाब की सबसे पॉपुलर वीडियो में 45 मिलियन व्यूज है और सब्सक्राइबर भैंचो 50 मिलियन लेके बैठा हुआ अगला, साला हमारा तो 1000 व्यूज पे मुश्किल से 10-12 सब्सक्राइबर आते हैं। क्या इतना बुरा, पर भैया अगर शोल मिले को साइड पे रखो तो ये इसके 22 घंटे की नहीं बल्कि 22 साल की मेहनत है, और इन 22 सालों में उसे नाम ही तरह कमा लिया कि वो जिस चीज पे आते रखे वो उसकी हो जाती है, इसीलिए तो कहते हैं भाई मेहनत कर मेरा पुत्र, हंसा ना कर। और जिन लोगों को नहीं पता, पहले तो यार तुम लोग चूती हो, अगर तुम लोगों को नहीं पता तो रोनाल्डो भाई इंस्टाग्राम पर सबसे फेमस इंसान है भाई, 600 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर लेके बैठा है वहाँ पे, तो उसके लिए 50-60 मिलियन कोई बड़ी बात नहीं है। और अब लोग इसका कंपैरिजन कर रहे हैं मिस्टर बीच के साथ, क्या उसको बीट कर सकता है, तो सीधा जवाब सुन लो भाई, नहीं कर पाएगा। अब मुझे गाली देने से पहले पूरी मेरी बात सुन लेना, नहीं माना कि मिस्टर बीस्ट के आजकल लादे से शरीर लौटने की वजह से सही नहीं जा रहे, पर भाई वो बीस्ट है, उसने एक टाइम गुजारा है यूट्यूब पे, अब वो हस्तमय सुन करके तो नंबर 1 यूट्यूबर नहीं बना भाई, उसको एक चीज का पता कि यूट्यूब काम किस तरह करती है। बिल्कुल वैसी ही बात है भाई, क्या मिस्टर बीस्ट रोनाल्डो को फुटबॉल में हरा सकता है, अगर ऐसा कोई बोलेगा तो तुम लोग उसको चूतिया को कहना भाई, अपनी फील्ड का किंग है, अपनी फील्ड का किंग है, मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। और एक और बात भैया, रोनाल्डो के फैन है सारे के सारे ब्लाइंड फैन है, वो बस कहते हैं कि भाई ने बोला करने का तो करने का, वरना उनका कोई खास इंटरेस्ट है नहीं इसके यूट्यूब चैनल में। और अब जरा इसके नॉर्मल व्यूज देखो भाई, इनको सिर्फ सब्सक्राइब करने से मतलब है, क्योंकि इनके अब्बू जान ने जो बोला करने को, इनके अब्बू जान यूट्यूब पे आके फरमा के रहे, इनको इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और इसके ब्लाइंड फैंस की क्वांटिटी भाई बस इतनी थी, अगर तुम लोगों को नहीं समझ आ रही ना तो भाई खुद ही देख लेना, 0 से 50 मिलियन जाने पे कितना टाइम लगा, 50 60 या 70 जाने पे कितना टाइम लगेगा। तो भाई ये वीडियो पर माना यार, वीडियो छोटी थी पर यार टॉपिक था कवर तो करना था, तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।